वेलकम बैक गाइस, आज के वीडियो में हम वेल्सपन इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियोज और प्राइस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल पे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आगे भी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इक्विटी वेज में। वेल्सपन इंडिया मुंबई बेस्ड टेक्सटाइल कंपनी है। ये एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेरी टॉवल प्रोड्यूसर है। ये अपने प्रोडक्शन का 95% से भी ज्यादा हिस्सा 50 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। वेल्सपन इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 1985 में पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। तब उसका नाम वेल्सपन विनिलॉन सिल्क मिल्स था। 1991 में इसका आईपीओ आया और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। फिर 1993 में गुजरात के वापी में इनका टेरी टॉवल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हुआ। 1995 में कंपनी का नाम वेल्सपन विनिलॉन सिल्क मिल से चेंज करके वेल्सपन इंडिया लिमिटेड कर दिया गया और 2005 में वेल्सपन ने एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया गुजरात के अंजर में। फिर 2006 में कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में टॉवल्स की सबसे प्रेस्टिजियस ब्रांड क्रिस्टी को एक्वायर किया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2020 में, तो प्रेजेंटली कंपनी 50 से ज्यादा देशों में एग्जिस्ट करती है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 32 से ज्यादा कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। प्रेजेंटली कंपनी में 24,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। मैनेजमेंट टीम की बात की जाए तो कंपनी के चेयरमैन हैं बीके गोयनका और एमडी हैं राजेश मंडावे वाला और सीईओ एंड ज्वाइंट एमडी हैं दीपाली गोयनका। कंपनी के काफी सारे ब्रांड्स हैं और इनका मेन प्रोडक्ट्स है टॉवेल्स, बाथ रग्स एंड मैट्स, बाथ रोब्स, बेड शीट्स, यूटिलिटी बेडिंग्स, फैशन बेडिंग, कारपेट्स, फ्लोरिंग सॉल्यूशंस एटसेट्रा। शेयर के प्राइस की बात की जाए तो इसका 52 वीक हाई है 62 रुपीज का और इसका 52 वीक लो है 18 रुपीज का। अभी भी कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है, तो अब हमें ये पता करना है कि इसका शेयर प्राइस अपने 52 वीक हाई से इतना लो क्यों आ गया। पर उससे पहले हम कंपनी के कुछ और डिटेल्स चेक करते हैं। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है करीब 21 रुपए का और इसका मार्केट कैप है 2100 करोड़ का। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसका बुक वैल्यू है 30 रुपीज का और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.7 का, यानी कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। तो इस बेसिस पे कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 3.5 का, जबकि इंडस्ट्री पी 9.5 से ज्यादा है। इंडस्ट्री पी मतलब इस सेक्टर के सारे लिस्टेड कंपनीज के पी का एवरेज निकालने पे इंडस्ट्री पी आएगा। यहाँ कंपनी का पी इंडस्ट्री पी से काफी कम है, तो कंपनी इस बेसिस पे भी काफी सस्ती है। कंपनी का आरओई और आरओसीई दोनों ही 10% के ऊपर है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कंफर्टेबल लेवल पे है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से कम का है, यानी कि कंपनी का डेट पोजीशन मैनेजेबल है। हमेशा याद रखिए कि कभी भी ऐसी कंपनी ना खरीदिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा का हो। हालांकि ये रूल बैंक्स और एनबीएफसी, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों पे लागू नहीं होता है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.4% का। कंपनी का डिविडेंड हमें इसलिए भी देखना चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैसा रिवॉर्ड दे रही है। कंपनी पिछले कई सालों से रेगुलर डिविडेंड दे रही है और रिसेंटली मार्च में ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टोटल 1.30 रुपए का डिविडेंड दिया है, जिसमें से 30 पैसे का डिविडेंड ये पहले ही दे चुकी है। अगर आपको डिविडेंड से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा डिविडेंड वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। डिविडेंड के बाद अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 68% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जिसमें से कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 50% से ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग को काफी अच्छा माना जाता है। प्रमोटर के अलावा म्यूचुअल फंड्स के पास 7.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी है,
इसके अलावा एफपीआई और एफआईआई के पास 8.25% की हिस्सेदारी है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरली फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंपनी में ज्यादा होल्डिंग होना बहुत अच्छा माना जाता है, बट अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में वो कंपनियां जिनमें फॉरेनर्स की होल्डिंग ज्यादा है उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। रीजन ये है कि कोरोना वायरस के वजह से पूरी दुनिया में जो पैनिक क्रिएट हुआ उसके वजह से सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे मार्केट से निकाल लिए और उनके इस पैनिक सेलिंग की वजह से पूरा मार्केट इतना नीचे गिर गया। तो अब हमें एक रीजन तो मिल गया जिसके वजह से शेयर का प्राइस अपने 52 वीक हाई से इतना लो आ गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के अलावा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 2% की हिस्सेदारी है और कॉर्पोरेट बॉडीज यानी कि दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस के पास 4% की हिस्सेदारी है और बाकी के बचे हुए 9% शेयर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं। चलिए तो अब हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमारा मेन फोकस रहेगा लास्ट के 3 quarters पे क्योंकि ये करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में जो एक चीज मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है अर्निंग पर शेयर जो कि एंड में दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में EPS 1.5 rupees का था जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ के 2 rupees का हो गया, पर उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में EPS काफी नीचे आ गया। इस घटे हुए EPS का मेन रीजन था लो सेल्स नंबर और सेल्स के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ एक्सपेंसेस और साथ ही डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का बढ़ना। क्योंकि क्वार्टरली EPS काफी नीचे गिर गया इस वजह से शेयर का प्राइस भी अकॉर्डिंगली करेक्ट हुआ। तो अब हमें एक और रीजन मिल गया जिसके वजह से शेयर का प्राइस अपने 52 वीक हाई से इतना नीचे आ गया। क्वार्टरली रिजल्ट में ध्यान देने वाली एक और चीज है जो है मार्च 2019 क्वार्टर का EPS जो कि नेगेटिव है। हालांकि ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है पर फिर भी हमें ये एक बार देख लेना चाहिए कि इस क्वार्टर में EPS नेगेटिव क्यों रहा। इस क्वार्टर का सेल्स लो था इस वजह से एक्सपेंसेस काटने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लो आया, बट स्टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में अदर इनकम नेगेटिव था। 180 करोड़ का नेगेटिव अदर इनकम बहुत ज्यादा था। ये वन टाइम नॉन रिकरिंग अदर इनकम था जिसके वजह से इस क्वार्टर का EPS नेगेटिव हो गया। चलिए अब हम पिछले कुछ सालों का एनुअल रिजल्ट चेक करते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा पिछले 5 सालों के एनुअल रिजल्ट पे। यहाँ लास्ट में TTM दिया हुआ है जिसका मतलब होता है ट्रेलिंग 12 months। TTM में लास्ट 4 quarters का कंबाइंड नंबर्स होता है, इस वजह से इसमें कुछ डेटा इस फाइनेंशियल ईयर का होता है और कुछ डेटा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। इस फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टरली रिजल्ट हम चेक कर चुके हैं इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। 2015 और 2016 में अर्निंग पर शेयर काफी हाई था जो कि 2017 में बहुत कम हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 वेल्सपन के हिस्ट्री का सबसे बुरा वक्त था। अगस्त 2016 में एक US बेस्ड कंपनी ने वेल्सपन पे ये आरोप लगाया कि वेल्सपन ने इजिप्शियन कॉटन टॉवल्स और बेडशीट की जगह उन्हें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं और साथ ही सारे बिजनेस रिलेशन खत्म करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। वो US बेस्ड कंपनी थी टारगेट जो कि एक रिटेल सप्लाई चेन कंपनी है। उस वक्त वेल्सपन अपने प्रोडक्शन का 10% हिस्सा टारगेट को ही सप्लाई करती थी और टारगेट इसे US में बेचते थे। इस इवेंट के बाद और भी कंपनियां जैसे कि वॉलमार्ट, JCPenney, बेड बाथ एंड बियॉन्ड ने भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया जिससे कंपनी का शेयर प्राइस क्रैश हो गया और साथ ही उनके सबसे बड़े क्लाइंट से बिजनेस खत्म होने लगे। वेल्सपन ने अपना रेपुटेशन बचाने के लिए काफी प्रोडक्ट्स रिकॉल किए या रिफंड दिए और साथ ही उन्होंने काफी पैसा US में लगे लॉ सूट्स को सेटल करने में खर्चा किया, बट तब तक कंपनी को नुकसान हो चुका था और वो अपना ग्रोथ मोमेंटम खो चुकी थी। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद वेल्सपन ने यह सफाई दी कि वो रॉ मटेरियल्स यानी कि इजिप्शियन कॉटन, यार्न और फैब्रिक्स अलग अलग सप्लायर्स से खरीदते थे जिसके वजह से अलग अलग सप्लायर्स से अलग अलग क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स मिले और एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंस आया। इस गलती से सबक लेते हुए कंपनी ने इजिप्शियन कॉटन एक ही वेंडर से खरीदने का डिसाइड किया और यार्न और फैब्रिक्स खुद ही इन हाउस तैयार करते हैं।
कंपनी ने इस सेटबैक को काफी अच्छे से टैकल किया और फिर से अपना रेपुटेशन बिल्ड करने में लग गई, जिसके वजह से 2018 में कंपनी का ईपीएस वापस से थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन 2019 में 180 करोड़ के नेगेटिव अदर इनकम की वजह से ईपीएस फिर डाउन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी भी 2016 के उस इवेंट से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। उनका सेल्स वापस उसी लेवल पे तो आ गया है, बट अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं रहा। तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से शेयर का प्राइस अंडर प्रेशर है। पर यहां हमें कंपनी की तारीफ करनी पड़ेगी कि कंपनी ने इस इवेंट को काफी अच्छे से टैकल किया और वापस ट्रैक पे आने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रमोटर्स को कंपनी के फ्यूचर पे काफी भरोसा है, जो कि हमें इनसाइडर बाइंग रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है। रिसेंट मार्केट क्रैश की वजह से शेयर का प्राइस डाउन होने के बाद प्रमोटर्स खुद काफी क्वांटिटी में ओपन मार्केट से कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। अब जब वेल्सपन के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो क्या आपको भी वेल्सपन के शेयर्स खरीदने चाहिए? इसका निर्णय आपको खुद लेना होगा। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, इसलिए इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो में दिए हुए इन्फॉर्मेशन की मदद से आप खुद ही बाय सेल या होल्ड करने का डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये था वेल्सपन इंडिया लिमिटेड का छोटा सा एनालिसिस। वीडियो एंड करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। कोरोना वायरस के वजह से पूरा इंडिया लॉकडाउन है, तो आप बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और खुद को, अपने परिवार को और इंडिया को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।